दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां अगले महीने बच्चे को जन्म देने वाली है। ये तो हुई खबर, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके अंदर का ट्विस्ट क्या है? दरअसल सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां ने 58 साल की उम्र में प्रेगनेंसी के लिए IVF तकनीकी का सहारा लिया है। IVF एक ऐसी तकनीकी है जिसके जरिए महिलाएं बच्चा कंसीव करती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सेफ है, वो भी तब जब महिला की उम्र 50 साल से ऊपर है। ये सब जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि IVF आखिर है क्या। IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। इस तकनीकी में महिला की अंडेदानी से अंडे निकालकर उनका पुरुष के स्पर्म के साथ फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन से बनने वाले भ्रूण यानी एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। ये उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है जो नेचुरल तौर पर बच्चा कंसीव नहीं कर सकती है। 50 के पार किसी भी महिला के गर्भ धारण करने की संभावना काफी कम रहती है, क्योंकि इस वक्त उनमें पीरियड साइकिल बनना बंद हो जाती है। हालांकि IVF के जरिए 50 की उम्र पार कर चुकी महिलाएं मां बन रही हैं, इसके लिए उन्हें हार्मोनल इंजेक्शन देकर उनकी गर्भाशय को एक्टिव किया जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस उम्र में अगर महिला मां बनना चाह रही है तो उसे पूरा बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए। इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि महिला किसी स्वास्थ्य समस्या से तो जूझ नहीं रही जो बच्चा कंसीव करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि IVF थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। इस प्रोसेस से लेकर बच्चे को जन्म देने तक महिला को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दौरान एक से अधिक बच्चे, प्री मैच्योर डिलीवरी, गर्भपात, संक्रमण का खतरा, तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा एक विकल्प ये भी आया है कि महिलाएं अब 30 से 40 साल के बीच में अपने एग फ्रीज करा ले रही हैं और फिर अपने मन मुताबिक वक्त पर IVF के जरिए कंसीव कर रही हैं। खैर, ये तो बात सभी जानते हैं कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। मई 2022 में उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस विश्नोई गैंग ने ली थी।